अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुबहान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमामीन। और हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके साथ एक हदीस पाक शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में अजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह सुबहान ताला उसके जरिए तकब्बुर और फहर की बीमारियों को जायल करता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह सुबहान ताला आप सबको और हम सबको हर बीमारी से बचाए, हर किस्म की नागहानी आफत परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो मूंग और मसूर की दाल है, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। और इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप मूंग की दाल ली है, छिलकों वाली दाल है, और मसूर की मैंने 1/2 कप ली है। और इसको भिगोऊंगी नहीं, इसको अच्छी तरह से धो के, तो पानी मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है, उबलते हुए पानी में आपके सामने ही ये सारी तैयारी करती हूँ। और इसके अलावा इसमें सूखे मसाले जाएंगे, नमक जाएगा इसमें तकरीबन, आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें नमक लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। और इसके साथ 2 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूंगी। ये मैंने अभी अभी फ्रेश ही बनाया है, ये अभी दाल के साथ ही ये चीज़ें जाएंगी। और लास्ट में हम तड़का लगाएंगे प्याज, एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसका हम तड़का तैयार करेंगे, और तड़के में तकरीबन 4-5 गोल लाल मिर्ची है छोटी वाली, वो ऐड करूंगी, थोड़ा सा जीरा है, और 2-3 इसमें पत्ते कड़ी पत्ता है वो ऐड करूंगी, आपकी अपनी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल लें। और सब्ज़ धनिया ऐड करूंगी लास्ट में, और ये 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, ये भी लास्ट में जाएगा। 1 लीटर मैंने 1.5 लीटर पानी लिया था, पानी उबलना शुरू हो गया था, उसमें मैंने दाल मूंग और मसूर की ये इसमें धो के ऐड कर दिया। इसके छिलके उतर जाएंगे, आपने भिगोना नहीं है, आपने ये इसमें ऐड कर देनी। और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैंने ऐड कर दिया, और ये नमक मिर्च और हल्दी, बस ये अभी आपने दाल के साथ ये चीजें ही ऐड करनी है, पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे ये पकेगा, बाद में मीडियम फ्लेम पे ये पकेगा इंशाल्लाह। बाकी का मैं आपको बाद में बताती हूँ किस तरह वो तड़का लगाना है और किस तरह बाकी चीजें इसमें डलेंगी। दाल मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम की थी, और अब मैंने मीडियम फ्लेम पे इस पकने के लिए रख दिया है। दाल तकरीबन गल चुकी है, ये 5-7 मिनट और लेगी तो इंशाल्लाह फिर रेडी हो जाएगी। मैं आपको तड़का लगा के आपके सामने आपको दिखाती हूँ। और सॉरी, मैंने वो क्लिप बनाया था दाल डालते वक्त भी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते वक्त भी, वो मेरी वीडियो नहीं बनी, तो माजरत चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ, उबलते हुए पानी में आपने दाल ऐड करनी है, ठंडे पानी में बिल्कुल ऐड नहीं करनी, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च और हल्दी डाल के आपने पकने के लिए छोड़ देना 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाना है, फिर ये रेडी हो जाएगी, फिर आप तड़का इसका तैयार कर लीजिएगा। अभी मैं आपको तड़का लगा के बताती हूँ। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, गरम मसाला और चाट मसाला, सब्ज़ धनिया ये इसमें ऐड कर देंगे, और फ्लेम हम बंद कर देंगे, दूसरी तरफ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने देसी घी ली है, उसमें प्याज ऐड किया है, तो ये हमारा तड़का रेडी हो रहा है। प्याज को हम गोल्डन करेंगे। प्याज
प्याज गोल्डन होने के करीब करीब है। अब हम इसमें जीरा, छोटी लाल गोल मिर्चे और ये कड़ी पत्ता, ये इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको इसकी खुशबू आएगी, फिर हमारा तड़का रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तड़का हमारा रेडी हो गया, हम दाल में इसको डाल देते हैं। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो गई है, तड़का भी लग चुका है। अब मैं बाउल में डाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मूंग और मसूर की दाल बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही जायके वाली है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चपाती के साथ, पराठे के साथ, सिंपल तंदूर की रोटी के साथ, वाइट राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा, और मैं तो पराठे के साथ एंजॉय करूँगी। और आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और मेरा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।